इसको वायरिंग गया इसका। हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आई है जेन स्टीलो, जिसकी बोले तो वाइब्रेट कर रही, वाइब्रेशन भी कर रच गया है, इसलेटर की है, तो आपको दिखाएंगे उसमें और ये भी बताएंगे कि बातें जो अच्छी लंबे टाइम तक और आपकी लंबे तक चले और जल्दी ख़राब भी ना हो के। तो ये नुक्स बता, गियर डालते हुए गाड़ी सिर्फ वाइब्रेट कर देती थी, मैं पिकअप कुछ नहीं, जैसे एक्सीलेटर वो सब कर उठता था, तो चली नहीं गया है अब किस कारण। चलिए अभी क्लच है, हमने क्या है बाहर रखा था, इसके लिए फिटिंग करके रखा हूँ इसको। बाद इसमें क्या क्या गया है, क्या क्या नहीं गया है खाएंगे अभी। और पहले शुरू करते हैं गेयरबॉक्स के अंदर, इसको वायरिंग गया इसका, किस कारण वाइब्रेट होती थी आप वो भी दिखाएंगे। मैं क्या किया है, तो इंजन पूरा वाइब्रेशन मिसिंग करे, तो माउंट ये है बीच वाली माउंट जो खड़ चुकी है, निकल के ये पूरी बाहर निकल जा रही है। और ये बीच का तो इसको भी नहीं दिए, ये भी टूटा ही है, ये टूटा मतलब तीनों फाउंडेशन गए हैं, तीनों माउंटिंग। एक्सीलेटर केबल दिखा सकता हूँ आपको, एक्सीलेटर दबाने में कुछ होता ही नहीं था, बहुत दबाना पड़ता है, एक तो दम देख सकते हैं पूरी खींच रहा हो, बहुत जाम होके आ रहा है बाहर, तेल भी डाल दूँगा। और इसमें ऑयल डालो, मतलब सर्विस में सब कुछ जितने हो गए। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्लच के बारे में, ये क्लच है, अब इसको दिखा तो देख सकते हैं, पहले ये देख लीजिए कितना ये हुआ है। और ये क्लच आपको दिखाते हैं, ये देखिए कैसा जली है पूरा, पिकअप नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ये हम चेंज करेंगे, और प्रेशर प्लेट तभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा जला है, उसको हम कटिंग करा के ले लेंगे। एक इसका अंदर का वायरिंग भी टूट गया है, बैरिंग डालेंगे, ये करेंगे सब कुछ। तो अभी हमने जेनरल पार्ट सब ला के डाल दिए, क्योंकि मैं वही फुट्टे का मारुति सुजुकी का पार्ट है केबल, तो आज ऑर्डर कल का ऑर्डर दिए है तो आएगा आज। तो अभी क्लच केबल इसको भी डाल देंगे, और माउंटिंग भी नहीं मिला मेरे को, तो भी ऑर्डर पे गया है, ऑर्डर पे जिसे आएगा मैं उसे भी डालूँगा। देख सकते हैं पुराना वाला क्लच है, और ये हमने नया हमने देख सकते ये ला के डाल दिया सब सारा ए टू जेड, गेयरबॉक्स पूरा फिटिंग कर दिया, एयर फिल्टर और ऑयल डालना बाकी है, ऑयल फिल्टर डाल दिया। देख सकते इधर पूरा फिटिंग हो चुकी है, पर फाउंडेशन नहीं आया, और ये इस लेटर केबल को फिट नहीं मिला, तो इसको हम फ्री करके इसको लगा देंगे, जब भी आ जाएगा फिर तो इसको ऊपर ऊपर से रहता है इसको कर देंगे। तो अभी ये सब प्लग चेक किया तो सही था, तो हम उसको नहीं छेड़े, फिर बाद में ब्रेक व्रेक का दिखाते हैं आपको, जो कंपनी का निकला था वही कंपनी का हम डालें। ये भी सब तो अभी बाकी है, बस फाउंडेशन ला के डाल देंगे तो हो जाएगा अपनी गाड़ी कम्प्लीट को स्पोर्ट का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।